नाम ले रहे थे उनका उनका चरण वंदना उनको कर रहे थे सत्संग के माध्यम से, और अचानक पुलिस वहां आ जाती है और मंदिर परिसर के आसपास के पूरे क्षेत्र को घेर लेती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस मंदिर में आ जाती है और मंदिर को घेर लेती है। जो मंदिर में उपस्थित लोग जो सत्संग कर रहे थे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, उन सबको बंदी बना लिया जाता है। और उसके बाद अगली सुबह 10 अगस्त को एक बहुत बड़ी फोर्स को लेकर डीडीए के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, और डीडीए के अधिकारियों के द्वारा बहुत ही निंदनीय और गलत तरीके से गुरुजी के मंदिर को, उनके स्थान को वहां से हटा दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि 70 वर्ष आजादी के बाद जहां पर करोड़ों की संख्या में जिनके अनुयायी हो, जिनके फॉलोअर्स हो, जिनकी पूजा करने वाले लोग हो, ऐसे में एक विभाग जिसका गठन ही, जिसके गठन को ही सिर्फ 60 वर्ष हुए हैं, वो 600 वर्ष पुराने एक मंदिर परिसर में घुसता है, पुलिस बल को लेके वहां घुसता है, और पूरी दुनिया में जिनके अनुयायी हैं, पूरी दुनिया में जिनके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने समानता, भेदभाव, ऊंच नीच, प्रभु भक्ति और पुरुषार्थ का संदेश दिया हो, पूरी दुनिया को सिखाया हो, इन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया है अपने संदेश से, अपने विचारों से, कि अगर आपको अपना कल्याण करना है, आपको अपने परिवार का, कुटुंब का, समाज का, देश का कल्याण करना है, तो दो चीजें को अपना लीजिए आप, एक प्रभु भक्ति और दूसरा पुरुषार्थ। परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा से डरिए, धर्म का पालन कीजिए, और उसके साथ साथ जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं, चाहे छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, परिश्रम कीजिए, ऐसा संदेश, ऐसा कल्याणकारी संदेश देने वाले गुरुवर का, ऐसे कल्याणकारी संदेश देने वाले संत का मंदिर तोड़ दिया जाता है। इस कार्य की जितना निंदा की जाए उतना कम है। संत गुरु रविदास जी के मंदिर के तोड़े जाने के बाद से न सिर्फ देश के अंदर, पूरे देश के अंदर खलबली है, क्योंकि गुरु जी को लोग सिर्फ यही भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, और शायद वो ही ऐसे गुरुवर होंगे जिनकी जयंती के ऊपर ना सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े राज्य, जैसे इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, न्यूयॉर्क है, इन शहरों में, दुनिया के बड़े बड़े शहरों के अंदर जयंती के, गुरु जी की जयंती के मौके पर झांकियां निकाली जाती हैं, वहां पर झांकियों के आयोजन किए जाते हैं, और हिंदुस्तान की तरह, हमारी ही तरह, वहां पर गुरु जी के चित्रों को, उनकी मूर्तियों को झांकियों के रूप में सजाकर शहर के अंदर घुमाया जाता है, लेके जाया जाता है, और उनके उनके साथ ऐसा व्यवहार, इसकी जितनी बुराई की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है, क्योंकि ये घटना दिल्ली की थी, भले ही डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है, भले ही वो जमीन केंद्र सरकार के अंदर आती है, लेकिन क्योंकि ये घटना दिल्ली की है, और दिल्ली की सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है अपने आप, और क्योंकि मैं भी दिल्ली सरकार का एक प्रतिनिधि हूँ,
उसका हिस्सा हूँ, उससे पहले गुरु जी का भक्त हूँ, गुरु जी का अनुयायी हूँ, उसके नाते विधानसभा के अंदर मैं एक प्रस्ताव लेके आया जिसके अंदर केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को दोनों को प्रार्थना की। उस प्रस्ताव के अंदर वो प्रस्ताव मेरे सामने है, मैं आप सभी के सामने उसको एक बार बोल रहा हूं। गुरुदास मंदिर के मामले में संकल्प, ये मेरे द्वारा लाए गए संकल्प था विधानसभा के अंदर, मैं आपके आगे पढ़ रहा हूं इसको। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा 22 अगस्त 2019 को हुई अपनी बैठक में संकल्प करती है, यह सदन दक्षिणी दिल्ली तुलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर के तोड़े जाने से आहत लाखों भारतीयों की भावनाओं में सहभागी है। यह सदन दिल्ली समुदाय के इस विश्वास का सम्मान करता है कि यह जगह अफगान तानाशाह सिकंदर लोधी द्वारा संत रविदास जी को दान की गई थी, जिन्हें व्यापक रूप से दलित और अन्य समुदाय द्वारा पूजा किया जाता है। यह एक ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। यहाँ संत रविदास कुछ दिन आकर रहे थे और यहाँ यह दिल्ली यह दलित समुदाय की पहचान और आधिकारिक संघर्ष का प्रतीक है। यह मंदिर के तोड़े जाने से न केवल धार्मिक भावनाएं शस्त्र हुई हैं, बल्कि दलित समुदाय का संघर्ष और इतिहास भी जागा है। यह सदन संकल्प करता है कि केंद्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष उनके मामले का समर्थन न करके इस मामले को गलत तरीके से निपटारा किया, जिसके कारण अंततः इसका अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण विस्तरण हुआ। यह सदन लाखों लोगों की भावनाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भी संकल्प करता है और मांग करता है कि केंद्र इस पर तुरंत अध्यादेश लाकर यह भूमि संत रविदास मंदिर के लिए आवंटित करे। यह सदन यह भी संकल्प करता है कि केंद्र सरकार से भूमि आवंटन के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करे। यह संकल्प 22 अगस्त को दिल्ली विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से पारित हुआ और पारित होने के बाद हमने इस संकल्प को केंद्र सरकार के पास भेज दिया है और यहाँ भी आज इस मौके पर मैं केंद्र सरकार से और आदरणीय प्रधानमंत्री से यही प्रार्थना करूंगा कि एक झुग्गी वाला भी अगर 10-15 साल से एक जगह पर झुग्गी रहना शुरू कर देता है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बनाए हुए कानून है कि बिना उसका पुनर्वास किए, बिना उसको विकल्पित जगह दिए आप उसको वहां से नहीं हटा सकते। तो ये तो हमारे गुरुजी का 600 साल पुराना मंदिर है, आप कैसे ऐसे मंदिर को हटा सकते हैं? डीडीए ने जो अपना केस कोर्ट में प्रस्तुत किया वो बिल्कुल गलत था। डीडीए को कोर्ट के बाहर ही ये मान लेना चाहिए था कि ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पर गुरु रविदास जी के मंदिर के लिए जगह सरकार को दे देनी चाहिए थी। आज इस मौके पे मैं प्रधानमंत्री से ये प्रार्थना करता हूँ कि 20 दिन हो गए हैं मंदिर को तोड़े गए और उसके बाद से अब तक आपके द्वारा या आपके सरकार के किसी मंत्री या किसी सांसद के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं आया है। हमारी ये प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना प्रधानमंत्री जी से कि बिना देर किए, बिना विलंब किए, बिना समाज के लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर किए, बिना समाज को इकट्ठा होने पर मजबूर किए, बिना इस आंदोलन को व्यापक रूप दिए जाने से पहले आपसे ये प्रार्थना है कि लाखों लोगों की आस्थाओं को, उनकी भावनाओं को समझते हुए संत रविदास जी का मंदिर वहीं पे बनाया जाए, उनको ये जगह इस समिति के नाम की जाए और उसके बाद चाहे इस मंदिर का निर्माण आप करें, दिल्ली सरकार को इसका जिम्मा दे, नहीं तो समाज के लोग ही इस मंदिर को मिलकर वहां बनाने में सक्षम है। आप सिर्फ जमीन को उस जमीन को मंदिर के लिए, गुरु जी के मंदिर के लिए दे। अगर आप इसमें विलंब करेंगे तो समाज इसको अपना अपमान मानेगा और जिस समाज का अपमान आप कर रहे हैं या करेंगे वो समाज अपने आप उसका परिणाम आपको देगा। बिना इसको देर किए, बिना इसका आप और इसको विलंब किए, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी मांगों को पूरा करें और गुरु जी के मंदिर के लिए वो स्थान दोबारा वहां पर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय कृष्ण।
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।